अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल रहा है? व्हीलचेयर वाला चैनल पे खुश आमदीद। मैं अपनी 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करता हूँ, एक व्हीलचेयर यूज़र अपनी 14 अगस्त की एक्टिविटीज़ क्या करता है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारा एक इंस्टीट्यूट है उम्मीद होम्स के नाम से, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे ये तीन बच्चों के साथ हमने केक कटिंग की, कौमी तराना पड़ा, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी की, फिर उनके साथ बैठ के खाना खाया। मेरा एक ऑफिस बन रहा है, फिर हम वहाँ पे आए, जो हेड ऑफिस बना रहे हैं हमने, वहाँ पर ट्री प्लांटेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो किए। टेक्नो पाकिस्तान के अंदर हमने एक दो एक्टिविटीज़ रखी हुई थी वो की, स्क्वायर वन के अंदर हमने केक कटिंग की, टेक्नो पाकिस्तान में छोटी सी स्पीचेस भी हुई, वो भी सुने आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त 2024 है और टेक्नो पाकिस्तान में ये एक छोटा सा इवेंट हम कर रहे हैं, हर साल करते हैं। बेसिकली इस इवेंट का मुझे आइडिया इसलिए आया कि 2-3 साल पहले हमने टेक्नो पाकिस्तान में, जब शायद गौर भाई प्रेसिडेंट थे या आप थे, 2021 में प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पे बैठ के मैंने कहा कि जी हम अगले साल अपनी जो हैप्पी 14 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे नए ऑफिस में मनाएंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ कि अगली जो इंडिपेंडेंस डे का इवेंट यहाँ पर हुआ और आज फिर यहाँ पर हो रहा है। तो आज मेरा दिल किया कि हम ऐलान करें कि अगला जो 14 अगस्त का इवेंट होगा, नेक्स्ट जो हमारा नया ऑफिस है, फार्म हाउस है, और जो ग्रैंड हमारा एक ऑफिस बनने जा रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इंशाल्लाह, नेक्स्ट आज हम इरादा करते हैं तो नेक्स्ट ग्रैंड सेलिब्रेशन होगी वो अपने हम न्यू टेक्नो ऑफिस में करें जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोजेक्ट के चीफ डिज़ाइनर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो टेक्नो पाकिस्तान का नया प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद हमारे गुजरावाला एंटरप्रेन्योर लैंडस्केप के कुछ मेंबर्स हैं, उनके साथ बात करेंगे, उनके ख्याल सुनेंगे। सबसे पहले खिजर भाई हैं हमारे साथ, तो खिजर भाई बताएं कि जो हम नया प्रोजेक्ट है वो कब तक हो रहा है और उसको किस सोच के तहत आप बना रहे हैं? जो हमारा नया टेक्नो पाकिस्तान का ऑफिस जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक बहुत यूनिक और एक अच्छी चीज़ को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि रील भाई के लिए स्पेशल वो डिज़ाइन हो रहा है, उनकी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम वो सारा प्रोजेक्ट उसको कर रहे हैं। और मेरे मुताबिक इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि इस साल के लास्ट के ऊपर हम वो प्रोजेक्ट को वाइंड अप करें, हर तरीके से एटूसीज को ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ राशिद साहब आजकल नए नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, तो मेरी रिक्वेस्ट यही होती है हर एक से कि जितने भी आप, अल्लाह ताला आपको और कामयाब दें, थोड़ा सा जो हिस्सा है वो फ्लाई कामों के लिए भी रखना चाहिए। हाफिज़ साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 14 अगस्त को हमें जो हमारे राइट लेफ्ट पे हमारे अजीज़ों का रब हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्हें जो मुस्तहकीन हैं उन्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ख़ासकर उन लोगों को जो हमारे ज़ेर कफालत हैं, उनमें से हमारे आ जाते हैं, लेबर्स आ जाती हैं, हमारे मुलाजमीन आ जाते हैं, उनको खसूसी तौर पे याद रखा जाए, ठीक है जी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 14 अगस्त की खुशियाँ हर साल जो है नसीब फरमाए जी। जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ राशिद साहब हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो इंशाल्लाह अगले साल इनकी सरपरस्ती में ग्रैंड इवेंट होगा नए ऑफिस में। अब हम चलते हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, चार्टर्ड मेंबर भी हैं, हमारे क्लब की बुनियाद ही इन्होंने रखी हुई है, तो उमर खालिद खोखर साहब की तरफ जान चलते हैं और उनसे 14 अगस्त के हवाले से पैगाम भी लेते हैं और आने वाले जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात भी करते हैं। जी उमर खालिद खोखर साहब। थैंक यू रेलवे फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और सबसे पहले मैं बताता चलूं कि जो हमारा नया ऑफिस बन रहा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसको प्लान किया गया है। प्रॉपर प्लानिंग के तहत वहाँ पर एक मीटिंग रूम भी डिज़ाइन हो रहा है और बाकी जो स्टाफ के लिए भी है, इनफैक्ट के वो फ्री लांसर्स के लिए एक जन्नत साबित होगा वो नया ऑफिस। 14 अगस्त के हवाले से मेरा पैगाम ये है कि हमें इस कौम की, इस मुल्क व मिल्लत की और इस रियासत की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर हमारा किबला दुरुस्त होगा, हमारी एफ़र्ट्स मुस्तहकम होंगी और पॉजिटिव होंगी, तो डेफिनेटली हमारा इसमें किरदार भी अदा होगा और इस मुल्क की तरक्की में भी अहम संगमिल साबित होगा। लिहाजा सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपने अमाल को फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह से बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं और किस तरह से लोगों को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू वेरी मच उमर खालिद खोखर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
अब जी मैं मज़ीद टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ एक दो बातें हैं, वो बातें स्पेशली मैं टेक्नो पाकिस्तान की टीम के तवस्सुत से करना चाह रहा हूँ। ये जितनी भी अलहमदिल्ला सुम्मा अलहमदिल्ला हमने संगे मिल तय किए हैं, इनके अंदर मैं कहूँगा 90% जो मेरी कामयाबी के पीछे हाथ है वो मेरी टीम का है। उनकी डेडिकेशन है, उनकी मेहनत है, जिसकी वजह से आज हमें अलहमदिल्ला सुम्मा अलहमदिल्ला ये खुशियाँ नसीब हो रही हैं। तो मैं अपनी टीम को सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरी टीम के लिए एक दफ़ा क्लैपिंग हो जाए। तो मेरी टीम का जी बहुत शुक्रिया, हर लिहाज से हर कदम पे वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और आज भी 14 अगस्त वाले दिन भी वो मेरे साथ मौजूद हैं और मेरी खुशियों में शामिल हो रहे हैं। बेसिकली उनके लिए एक छोटा सा इवेंट है। नए ऑफिस को लेके, नए प्रोजेक्ट्स को लेके हमें बड़ी कमी फील होती थी। जब भी हमें कोई छोटा मोटा इवेंट करना होता था तो हमें कोई ना कोई बाय लोकेशन देखनी पड़ती थी। तो मेरे माइंड में ये आइडिया था कि वाई नॉट वी हैव एन आवर ओन प्लेस, जहाँ पे हम ये फ्रीलांसर के छोटे छोटे मीटअप्स, बैठक्स, फिर आईटी की कॉन्फ्रेंसिस छोटी छोटी, फिर गुजरावाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब के इवेंट्स, फिर उसके बाद जितने भी हम गेट टुगेदर करते हैं वहाँ पे करें हम। तो आज हम उस वाले से गुजरावाला एंटरप्रेन्योर लायंस क्लब वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करेगा हमारी नई जगह पे और इंशाल्लाह उसका एक अच्छी बुनियाद रखी जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए बढ़ते हैं केक कटिंग की तरफ और केक कटिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे ट्री प्लांटेशन की तरफ। तो मैं कहूँगा हाफिज साहब और उमर भाई आ प्लीज़, ये आ जाए प्लीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, वाह जी वाह, वाह जी वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू पाकिस्तान। ले जी उमर भाई, ये पहले आपको लेना। थोड़ी सर, थैंक यू सर। सो ये थी मेरी 14 अगस्त सेलिब्रेट करने का तरीका। ये नहीं कि बाजे लेके सड़कों पे हुटिंग हो रही है, कार पे बैठ के बच्चों के साथ शोर मचाया जा रहा है, इस तरह का। मेरे बच्चों ने भी, आप देख रहे हो कि मेरे बच्चे भी पौधे लगा रहे हैं, हम सब पौधे लगा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने, मैं हर साल ही इसी तरीके से अपने बच्चों के साथ ये डे सेलिब्रेट करता हूँ इस तरीके से। सो आप अपना डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं ज़रा कमेंट में आप भी बताएं। और आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक है, 14 अगस्त 2024 आई है। अगली अगस्त कैसी होती हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने को हम आज़ाद हैं उतनी आज़ादी आपको मुबारक। आजकल ये वैसे काफ़ी जोक चल रहा है। एनी हो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीडियो।